हेलो फ्रॉम भीमास, लेट्स कुक लाइक भीमास एंड मंच लाइक भीमास। तो आज हम बनाने वाले हैं सभी का फेवरेट दाल मखनी। तो इसे हम जीरा राइस, रोटी, चपाती और नॉन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस में। तो पहले हम एक कप उड़द दाल लेंगे और हाफ कप राजमा लेंगे। इसे हमने ओवरनाइट सोक कर लिया था, अभी हम इन्हें बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हम लेंगे एक हांडी और राजमा और उड़द दाल को उसमें डाल देंगे। और फिर हम डालेंगे उसमें हरी मिर्च और अदरक, और उसके बाद हम डालेंगे उसमें नमक स्वाद अनुसार। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम उसमें डालेंगे पानी। पानी दाल से 1 इंच ऊपर होना चाहिए ताकि वो अच्छे से कुक हो जाएगा, और उसे हमें बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो देख सकते हैं कि दाल बॉईल हो रही है और अंदर से भी अच्छे से पक चुकी है। फिर हम एक हांडी लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए दाल का। तो हम इसमें डालेंगे ढेर सारा ऑयल और फिर इसमें डालेंगे जीरा। जीरा अच्छे से स्प्लिटर होना चाहिए। फिर हम डालेंगे इसमें ऑनियंस। यहाँ मैंने 2 बड़ी ऑनियंस लिया है और उन ऑनियंस को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे हमारे स्पाइसेस, जो डिश का मेन इंग्रेडिएंट होता है। फिर बाद में हम डालेंगे इसमें पाउडर स्पाइसेस, वो है कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर। हमें इसे जल्दी से मिला लेना है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। फिर हम उसमें डालेंगे टोमेटोस। टोमेटोस को हमें तब तक कुक करना है जब तक वो थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए हमारे टोमेटोस सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारी दाल, वो है राजमा और उड़द दाल। हमें इसे पानी के साथ ही डालना है। पानी को मत निकालिएगा क्योंकि उससे ही टेस्ट बढ़ जाता है। ये पानी डालने से ही हमें उस दाल मखनी का कलर आएगा। तो देखिए हमारी यह दाल भी बॉईल हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, वो भी स्वाद अनुसार डालिएगा। इसे अब हमें 10 मिनट्स तक थोड़ा सा कुक कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा बन जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा बटर, क्योंकि इसके नाम में ही है मखनी, मतलब ढेर सारा मक्खन। तो देखिए मैंने बहुत सारा मक्खन डाल दिया है। तो इसे मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे क्रीम। यहाँ मैंने डाला है 1/4 कप क्रीम। इससे दाल मखनी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ क्रीमी स्ट्रक्चर आ गया है इसका। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। हमें गरम मसाला को एंड में ही डालना है क्योंकि गरम मसाला पहले से रोस्टेड होते हैं, तो इसे हमें फिर से फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कितना क्रीमी है ये हमारा दाल मखनी। तो अब देखिए हमारा ये दाल मखनी भी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भी थोड़ा सा रब करके डालेगा। जब हम उसके ऊपर डालेंगे ना कसूरी मेथी, तो उसका टेस्ट ना और भी बढ़ जाता है। तो इसे अच्छे से मिलाने के बाद तो अब हम इसमें डालेंगे घी का तड़का। तो मैंने इसमें डाला है बहुत सारा घी और ढेर सारा लहसुन। उसे थोड़ा सा फ्राई करिएगा ताकि उसका कच्चा स्मेल ना रहे। फिर डायरेक्टली हम इसे अपने दाल मखनी में डाल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए हमारी दाल मखनी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे जीरा राइस के साथ। आप चाहे तो इसे नॉन, रोटीज, चपातीज उनके साथ भी सर्व कर सकते हैं।
पर आज मेरा मन था कि मैं जीरा राइस खाऊं। तो देखिए हमारी दाल मखनी कितनी ही यमी है और कितनी टेस्टी भी है। अगर मेरी वीडियो सबको पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल भीमास किचन। अगर आप मेरी डिशेस घर पे ट्राई कर रहे हैं तो उसके पिक्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी भीमास किचन पर भेज दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा कि जब भी मैं वीडियोस लगाऊं तो फर्दर नोटिफिकेशन आपको आ सके।